बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि मसला कोर्ट में है और अब राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के ही हाथों में है, इसलिए हम राम मंदिर निर्माण की तारीख नहीं बता सकते। राम मंदिर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जनवरी 2019 से सुनवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश पर संत समाज ने नाराजगी भी जताई थी और राम मंदिर के लिए जन आंदोलन करने की बात कही थी। तब से लेकर अब तक लगातार राम मंदिर के मसले पर बयान आ रहे हैं। राजनाथ सिंह, उमा भारती, भैया जी जोशी के बाद अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। केशव मौर्य का कहना है कि राम मंदिर के निर्माण की तारीख वो नहीं बता सकते क्योंकि मसला कोर्ट में है और राम मंदिर बनाना अब कोर्ट के हाथों में है। मंदिर निर्माण का मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते, यह सच है। लेकिन अयोध्या में हम रामलला की भव्य मूर्ति भी नहीं लगा सकते, इसके लिए कोई नहीं रोक रहा है। अगर कोई इसके लिए रोकेगा तो उसको देखेंगे, लेकिन अयोध्या की अंदर रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जरूर बनेगा। कब बनेगा इसके बारे में ना हम तिथि बता सकते हैं, ना हमारे वो हाथ में है, वो कोर्ट के हाथ में है। मौर्य ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास है, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अयोध्या में रामलला का स्टैचू खड़ा करने से कोई नहीं रोक रहा, और अगर कोई ऐसा करने से रोकता है तो हम देख लेंगे। अयोध्या का विकास करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। राम मंदिर के मुद्दे पर हर रोज नए बयान आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राम आस्था का केंद्र है, तो विपक्ष इसे बीजेपी का चुनावी मुद्दा बता रहा है और कह रहा है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।